तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। आज हम लोग टेम करने वाले हैं एलोसॉर्स। ये देखिए, उसके लिए हमने एक ट्रैप बिछाया यहाँ पे, आई मीन ट्रैप बनाया, और साथ ही साथ अब हमारी बारी थी उसको यहाँ पे लाने की। तो यहाँ पे मैंने आरजे यूज़ किया उसे इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दो दो एलोसॉर्स थे, तो यहाँ पे एक 80 का था और एक 100 लेवल का था। तो यहाँ पे मैंने एक को मारना था और दूसरे को ट्रैप में लाना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई पहली बार कि कौन सा लेवल 100 है, कौन सा लेवल 80 है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया जिसमें से दोनों को डैमेज हुआ, बट फिर भी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। अभी भी कुछ देर और वेट करना पड़ा, फिर फाइनली एक को पता चल गया मुझे कि कौन सा लेवल लो है, कौन सा ज़्यादा हाई है, और इन्होंने मुझे मारने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। अब बारी थी हमें किसी तरह एक को सेपरेट करने की। मैं सोच रहा था पहले छोटे वाले को मार ही दिया जाए, बट बहुत ही हार्ड था मारना, तो मैंने डायरेक्ट इसे ट्रैप में लाने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं यहाँ पे बैठ गया, थोड़ा सा डैमेज लिया अपने आरजे पे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे सोचा कि एक तरह से छोटा सा टैम ट्रैप हो जाएगा, बट ट्रैप ऑलमोस्ट हो चुका था, बट ये निकल गया क्योंकि ट्रैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हमारा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो छोटा लेवल वाला था ये बाहर आ गया था। इससे थोड़ी देर फाइट लेने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसे मार दूँगा, फिर उसके बाद हम लोग लेवल 100 वाले को टेम करना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने फाइनली इसे अपने आरजे से मार दिया। और यहाँ पे देखिए, पता नहीं क्या रीज़न था, ये थोड़ा सा स्टक गया था उसमें, अटक गया था। तो कोई बात नहीं, हमें तो अटकाने से ही मतलब था, किसी भी तरह अटके भाई, या फिर ट्रैप में अटके या फिर वैसे अटके। तो अब हम लोग चलिए इसे जल्दी जल्दी से नॉकआउट करते हैं और टेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी देर राइफ़ल यूज़ करता हूँ और साथ ही साथ टॉक्सिक एरो भी ले लेता हूँ, ताकि दोनों में से जो अच्छी लगे वही यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसे जल्दी जल्दी से एरोज मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये तब तक नहीं भगता है जब तक ये टोटल नॉकआउट होने के कगार पर ना आ जाए। तो मैंने इसे जल्दी जल्दी से नॉकआउट करने के लिए काफ़ी सारे एरो मारे। अगर मैं हेड पर मारता तो ये आधा ही एरो में नॉक हो जाता है, जितना बॉडी मारने पे कोई टीम या फिर क्रिएचर नॉक होता है, अगर उसका आधा आप लोग उसे हेड पे मारेंगे तो वो नॉक हो जाएगा। और ये हमारा फाइनली नॉकआउट हो गया है। अब बारी है हमें इसे फीड करने की, तो यहाँ पे हमें मीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने आरजे को बुलाया, बोला आजा भाई कुछ तो मीट दे के जा, क्योंकि इसके पास की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था मीट। चलिए अब हम लोग इसे मीट दे देते हैं, और साथ ही साथ इसके पास प्राइम मीट भी कुछ है, तो प्राइम मीट दे के देखते हैं ये एक बार में कितना परसेंट जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कि इसको स्मूथ ब्लेंड देना है कि नहीं, या फिर देंगे तो ये कितना परसेंट जाएगा एक बार। चलिए वेट करते हैं। और ये हमारा फाइनली कंप्लीट होने वाला है एक राउंड, और हमारा एक बार में 6% गया है प्राइम मीट देने के बाद। अगर हम लोग प्राइम मीट इसे ना दें तो ये ओनली मीट ले दें तो ये करीब करीब 3% जाएगा, प्राइम मीट का आधा जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसे 15 गुना फास्ट केवल दे दिया, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक बार में टेम हो जाएगा। करीब करीब 4% बचेगा ये देखिए, और ये हमारा एक बार में 96% चला गया, 90% गया है टोटल, 6% ऑलरेडी हो चुका था। अब हमें वेट करना था ये पूरा 100% हो जाए, और फिर उसके बाद इसका सैडल वगैरह देख के देखते हैं इसका डैमेज वगैरह कितना है, और साथ ही साथ देखेंगे कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इसका दहाड़ना। तो तब तक इसका सैडल देख लेते हैं हम लोग, कैसे क्राफ्ट होगा, कितने लेवल पर होगा। और यहाँ पर मैंने इसका सैडल सर्च मारा, हमें मिलेगा लेवल 67 पे, और इसको हम लोग स्मृति में ही क्राफ्ट कर सकते हैं। तो स्मृति के लिए हमारा आरजे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए इसका सैडल दिख रहा है हमें, मेटल इग्नोर फाइबर और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे क्राफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक क्राफ्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और ये हमारा पूरा हो गया ऑलमोस्ट, और ये हमारा पूरा हो गया सैडल। चलिए ले लेते हैं, अब वेट करते हैं ये खड़ा हो जाए टीम होके, फिर उसके बाद इसको सैडल देते हैं हम लोग। थोड़ी देर टाइम लगेगा, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। अगर हम लोग स्मूथ ब्लेम नहीं देते तो इसका अनकॉन्शनेस थोड़ा जल्दी ड्रॉप करता, बट मैंने स्मूथ ब्लेम दिया था। और ये देखिए हमारा टीम होके पूरा खड़ा हो गया, लेवल 149, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा और भी ज़्यादा लेवल अप हो सकता है
अगर हम लोग इसे लेवल अप करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है, स्पीड वगैरह भी काफ़ी ठीक ही ठाक लग रही है, मीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा, ये देखिए स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है। बट रेक्स तो कुछ बात ही अलग है भाई, रेक्स अलग ही लेवल का है, बट कोच भी हो दोनों एक तरह से अच्छे ही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी नई नई वीडियो आ रही है सभी रेसिपीज़ पे, केबल टेमिंग साथ ही साथ टेमिंग केव जितनी वीडियो है सबको आपको मिल जाएगी, तो उसे यूट्यूब पे मेरे देखने ना भूलें, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।